गुरु नानक साहब लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां वे एक बरही के घर पर ठहरे। उनका नाम लालो था। उसी गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम भागो था। उसने एक दिन गांव के सारे लोगों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। सारे लोगों के खाने के बाद उसने नौकर से पूछा कि कहीं कोई आदमी गाँव में उसके यहाँ बिना खाए तो नहीं है। इस पर नौकर ने बताया कि लालो के घर में एक साधु आया है जो भोजन से वंचित रहा है। भागो ने गुरु नानक देव को बुलाया और पूछा, मेरे यहाँ भोजन करने क्यों नहीं आए? गुरु नानक ने कहा, अब आया हूँ। नौकरों ने उनके सामने तरह तरह के पकवान लाकर रखे। तब गुरु नानक ने लालो के घर से भी भोजन लाने को कहा। वह घर जाकर रोटियाँ ले आया। गुरु नानक ने भागो की रोटी लेकर उसे दबाया, तब उसमें से खून निकलने लगा। फिर लालो की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा। यह देख वहाँ उपस्थित लोग चकित हो गए। तब नानक जी ने बताया, भागो ने गरीबों को लूटा है, इसलिए इसकी रोटी में गरीबों का खून है, जबकि लालो की कमाई ईमानदारी की है, अतः उसकी रोटी से दूध निकला। यह सुन भागो नानक के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगकर कहने लगा कि आगे से वह मेहनत की कमाई खाएगा तथा दूसरों को कष्ट नहीं देगा।